सिसोदिया कुलवंश में गढ़ चित्तौड़ को राज, भाई शक्ति पिता उदय सिंह सिंह समान प्रताप। तो प्रजा पालन मेवाड़ नाथ ककुदारी, नाथ ककुदारी ए हिंदवासुर महाराणा उदयपुर भारी। तो हिंदवासुर मेवाड़ नाथ ककुदारी, और शंकर भगवान की हो। बंदो, चौदी पंद्रहवीं शताब्दी की बात है। तीन टाइम महाराणा उदय सिंह चित्तौड़ ने छोड़ और किन्हीं कारणवश आप उदयपुर बसावे, उदयपुर बसावे और उदयपुर में आप महल बनावे जन जगह महाकाल का, एम भगवान शंकर एकलिंग जी वरदान दियो वटी अपनो महल बनावे। राजमहल में खुशियों रहता है। अब एक दिन महाराणा घूमने वास्ते आप नारे मंगरे पधारे, रस्ता रे मायने महाराणा जो कहीं देखे जो आप सुनो। महाराणा उदय सिंह सैल शिकार पधारे, चलता चलता ए द्वारे डे बारी पधारे, ओ डे बारी पधारे यहाँ देख अचंभो कर्णधारी तो कर्णधारे। ले दूध की चरबी शीश कमर देवड़ारी, आवेदी देवड़ारी ए हिंदवासु जय महाराज उदयपुर। देवारी द्वार पे महाराणा कई अपने मन में विचार करे और एक लड़की देवड़ा सरदारा की वन देखे, ठीक है, माते दूध की चरवी और दो गाय का बच्चा हाथ में उठे रखिया। गाय का बच्चा महाराणा की सवारियों जो भड़क जावे डर जावे तो हाथ में उठावे और फिर महाराणा विचार करे रे भाई सरदारा सुनो। फिर सरदारा ने समझाए राणा जी बतलावे, महाराणा बतलावे महाराणा उदय सिंह यह करणों चावे। झटपट लगन दिखाया ब्राह्मण ने बुलावे, ओ ब्राह्मण के बुलावे महारानी देवड़ी ने प्रण मेल मेलावे। ए जी झटपट ब्राह्मण ने बुलाया लगन दिखलावे, लगन दिखलावे महारानी देवड़ी प्रण मेल मेलावे।
महाराणा उदय सिंह प्रण पालक प्रणधारी बड़े प्रणधारी महाराणा विचार करे रे भाई इन लड़की के साथ अगर आप व्याह करेंगा तो बड़ा अच्छा रहेगा। कारण अणी में इतनी शक्ति है कि दो बछलियां ने हाथ में उठे रखा है, माथे दूध की चर्बी है, फिर आरी संतान वेगा तो कितनी जोरदार वेगा, कितनी बलशाली वेगा। वाह, वो विचार कर और महाराणा सरदाना की सरदाना मैं अणी के साथ शादी करूंगा। प्रण कर दो। अशोक प्रण कर लेवे और उन टाइम सभी सरदार के वे हुकुम जैसी रावल इच्छा है और रावल हुकुम है उन टाइम ब्राह्मण ने बुलावे और आपका लगन पत्रिका देख और महारानी देवड़ी के साथ व्याह करे और फिर अपना मेल मिलावे। शादी के बाद आपके संतान जो वे आज कितनी शक्तिशाली वे फिर राजमहल में जन्मे कंवर शुभ कार्य कंवर शुभ कार्य जोशी समान ताप बड़े तपधारी फिर राज मेला में जन्मे कंवर शुभ कार्य कंवर शुभ कार्य जोशी समान महाराणा प्रताप प्रणधारी फिर चित्रकूट उदयपुर हर्ष मनावे तो चित्रकूट उदयपुर हर्ष मनावे दासी दास सब हर्ष मंगल गावे तो फिर कुंभलगढ़ में राज तिलक शुभकारी दुआ शुभकारी है हिंदवास मेवाड़ी शंकर भगवान दरबार उदय सिंह के राजमहल ने मायने एक कमर कुसुत टाइम जन्मे जो केड़ो जन्मे जननी जने तो एड़ो जन के महाराणा प्रताप अकबर सुदा ओज के तो जाने खड़ो सिराने सांप जननी जने तो एवो जन के दाता के सु मैं तो रे जे बांधनी तू मत ना गमा दे नूर। महाराणा प्रताप एक सिंह के समान बड़ा तेजस्वी और सूरवीर प्रणधारी प्रणपालक ऐसे महाराणा पैदा हुआ। आपको दरबार उदय सिंह को देवलोक विवाह के बाद राज तिलक कुंभलगढ़ में विवे फलित रहूं अच्छी तरह अपने राज्य की शासन ने संभाले और महाराणा का राज्य की कीर्ति यश पूर्व मेवाड़ तो है लेकिन देश विदेश तक पहुंचे। Thank you.
फोटो में वाड़ा थानो लागे, यस आप रो तो दिल्ली मैंने गावे दिलागे। मोटो में वारा रे आगे, जैसे आप रो तो दिल्ली तक गावे दिलागे। मेवाड़ा आपने दिल्ली मैंने गावे आती घोड़ा रथ को दिखो, आती घोड़ा रथ को दिखो, सभी रे बात रो तो ठाके, अकबर रे सामे घणो दस गावे दिलागे। आती घोड़ा रथ पालकी, सभी रे बात रो दो ठाट, अकबर रे सामे घना जस गावे दिराग। ओ मेवाड़ा आपने दिल्ली मैंने जाने बोलो शंकर भगवान जय हो। मेवाड़ की कीर्ति, यस दिल्ली में अकबर जो शहंशाह शासन करता है, अकबर के सामने जाते हुए मेवाड़ रे मायने महाराणा प्रताप आपकी राजधानी और मेवाड़ को राज एकस्यो है जो सब सूर्यवंश चमकी रो है, तो उन टाइम अगर भी देखे गणित देखेंगा भाई घूमता फिरता। एक बार जोधपुर का कंवर मानसिंह जी कुंवर साहब घूमता फिरता उदयपुर पहुंचे, तो दरबार आपने उदय सागर की पाल रे माथे बना के तंबू डेरा लगाया और बिठा बना ने रुकवारे वास्ते स्थान दियो। अरे नहीं मिलवाने जाए कवन सो नहीं मिलवाने जाए, ए उदिया सागर पाल पहराना दियो ए जी ए। ए उदिया सागर पाल पे माराना हो बोलो शंकर भगवान की। कंवर मान सिंह जी आप पधारे तो राणा के मन में एक बड़ो क्रोध आवे, कारण कि आप अकबर रा शासन में काम करता है। हाँ जी, तो उन टाइम रे मायने राणा विचार करे और अमर सिंह राजकुमार ने भेजे जाओ बमणा की अगवाणी करो थे और हमारी अगवाणी में आप जाओ। फिर राजकुमार अमर सिंह जी पधारे और आपको अच्छे सम्मान करे, बड़े प्रेमो मान से झाला साहब ने अपने रावड़ा में महल में बुलावे। राजा मेवाड़नाथ आपने संग बैठ और भोजन करते समय
कुछ वाद विवाद भी जावे सरदारा में। आप भोजन नहीं करे तो बैठ भोजन नहीं करे सा। मान सिंह बोले सा आप हमारे साथ भोजन करवा रहे नहीं, कारण कही है कि आप भोजन नहीं कर रहे हो तो इन्हों कोई मतलब है। बोले मान सिंह कुंवर साहब आप जो अकबर शासन में गुलामी कर रहा हो और हमारे किया के अनुसार आप चल रहा हो, आप अपनी जननी एवं मातृभूमि ने जन्म लेन लजई है। हाँ मुगलों में नमक पानी खाओ आप हैं, इनके वास्ते मैं आपके साथ भोजन करवाओ नहीं हूँ। कटारी की तरह कुंवर मान सिंह जी की यह बात चुभे और उन टाइम भोजन भी नहीं करें उठ जावे। महाराणा ने याद दिवावे और कहे महाराणा अब की बार जो अभी मिलेंगा तो एक रण संग्राम में मिलेंगा और आप हमेशा के वास्ते अपने युद्ध की तैयारी कर लो। चेतावनी दी महाराणा ने। हाँ साहब, और फिर कुंवर मान सिंह उठ रवाना भी जावे। अरे भरारी सरे माय तोर सा भरारी सरे माय रे झटपट दी आविया महाराणा अरे जाकर भरिया कान कुंवर सा जाकर भरिया कान। अरे मत माता हसी जू फिरे एकलो महाराणा हो, हे मत माता हसी जू घूमे एकलो महाराणा हो ए जी ए अरे करियो घणो अपमान मारो वटे करियो घणो अपमान ए कई नी रे हमजे अकबर साहब ने ए की ए बोलो शंकर भगवान की। कुंवर मान सिंह जी आप दिल्ली पहुंचे जल्दी दरबार में जावे और अकबर के सामने इन्हें अकबर के सामने या दरखास्त रिपोर्ट पेश करे फरियाद करे। बोले हुकम मेवाड़ रे मायने महाराणा प्रताप एक सिंह के समान मद माता से जो घूमे है आप रो कोई डरनी है। अकबर साहब के भाई और कशो है इन्हें भी देखा जल्दी हूँ एक पत्र लिखे और उदयपुर भेजे। एक लिख परवानो दिल्ली नगर से आयो जी नगर से आयो एक लिख परवानो दिल्ली नगर से आयो महाराणा मेवाड़ ने दिल्ली तुरत बुलायो। तो फिर भर परवानो राणा क्रोध भर आया क्रोध भर आया पाछो लिख परवानो दिल्ली तुरत पहुंचाया। जो भण परवानो महाराणा क्रोध में आया जी क्रोध में आया लिख परवानो पाछो दिल्ली नगर में पहुंचाया। मैं कायर नहीं हूँ
युद्ध लड़ूंगा भारी, लड़ूंगा बड़ो भारी, हिंद वासुर मेवाड़ नाल तपुंगारी। शंकर भगवान की। दिल लेऊं एक जो पत्र आवे, और भी पत्र में लिखे कि महाराणा जल्दी जल्दी दिल्ली दरबार में पेश होऊं। ओ पत्र पढ़ और महाराणा बड़ा क्रोध में हुई जावे, गुस्सा में आवे और बोले, कुंवर मान सिंह आज जैन है जो कार्य क्यों है, जल्दी परवानो लिखी वापस भेजे कि मैं कोई कायर नहीं हूं और मैं आपकी आधीनता स्वीकार करवाड़ो नहीं हूँ। फिर आपकी इच्छा है, अगर आप युद्ध भी करना चाहो तो मैं तैयार हूँ। ओ परवानो अकबर रे दरबार में पहुंचे और अकबर भी बड़ा विचार में पड़ जावे। अकबर रे दरबार में जो परवानो पहुंचे तो देखिए भाई, चलो अब इन्हें सबक बताना पड़ेगा। तो फौज ले और कुंवर मान सिंह ठीक उदयपुर के वास्ते रवाना हो जावे। अरे चढ़ी दिल्ली री भारी फौज, मारे चढ़ी रे दिल्ली रे रे भारी फौज, आई ने मेवाड़ा ने सेड़ो दे। अरे चढ़ी दिल्ली री भारी फौज, भाई रे चढ़ी दिल्ली री भारी फौज, भाई ने मेवाड़ा ने हेलो पारी हो रे। अरे सुरो वे तोरे सामू आवराना, सुरो वे तोरे सामू आव, कायर वे तोरे भाग जाव धोरे। अबे सुरो वे तोरे सामू आवराना, सुरो वे तोरे सामू आव, कायर वे तोरे पड़ जा पाव। आई अकबर री भारी फौज, राणा आई रे अकबर रे भारी फौज, सियाड़ो वे तोरे बढ़ जा पीज रे। अरे बैठा रजवाड़ा रानू रान, भाई रे बैठा रजवाड़ा रे रानू रान, केवे रजवाड़ा मारे सामड़ो रे। भगवान दिल्ली री फौज तूफान की तरह चढ़ और आप उदयपुर की सीमा में डेरा दे देवे। और यूं तो देवे नेड़ो देवे तेड़ो देवे, भाई थाने बुलाया है राणा, चढ़ी दिल्ली री फौज, राणा चढ़ी दिल्ली री फौज, और राणा मेवाड़ा ने हिला पाड़ियो, सुरो वे तो सामे आव और कायर वे तो प्रजा पाव में, अगर तू सुरो है तो अपनी फौज ले और लरवर वास समय आओ, और नहीं तो पिंजरे भर जाओ। तो उन समय सभी रजवाड़ा भेड़ावे वे होड़ा बत्तीसा हरदाम उमराव सब बैठे और महाराणा ने कहे, महाराणा मातृभूमि की रक्षा करनी है, प्राण जाए तो भूले जाए। तो सभी रजवाड़ा हरदार उमराव बात करें और विचार करें कि वे
अरे बेटा रजवाड़ा रानू राण भाई रे बेटा रजवाड़ा रानू राणवाड़ा राणा ने केवे साम होवे अरे दुनिया में मरणो है करवार माने दुनिया में मरणो है करवार वे इने लड़ंगा जंगले रे एक दुनिया में मरणो है एक नवारा दुनिया में मरणो है एक नवार वे इने पड़चा जंग मेरे शंकर भगवान की सभी रजवाड़ा के वे हुकुम डरवा की तो कोई जरूरत है नहीं और आप चिंता मत करो मैं सभी हरदार उमराव और यहाँ मेवाड़ की भील कोर सभी सेना आपके साथ है मेवाड़ आपके साथ है और आप चिंता मत करो मैं सब आपके साथ हाँ तो उन समय महाराणा ने एक जोश आवे और आपने धीरज बंधावे और फिर कहे कि आपको कमी नहीं है आपकी फौज जल्दी रवाना कर दो महारानी बोले हुकम आप यंग में बता रहा हो और युद्ध में बता रहा हो नहीं हाँ रानी साहब जानो तो पड़ेगा मेल में खड़ा महारानी जी महाराणा निके वे महारानी उबा रंग में दासी दास सेवा माए महाराणा जी ने रानी समझावे गिराज महाराणा जी रानी ने समझावे महारानी उबा रंग में दासी दास अपार महाराणा की रानी ने समझावे राग मेवाड़ा के तो रानी ने बतावे अकबर री सेना माते गाजरी अकबर री सेना माते गाजरी रानी सा हड़े दी गाती रे माया रानी सा माने गजड़ा में जाओ विराज कमरान जतनो राख जो कमरान जतनो राख जो अज जीव तारे वांगा मन शाय ए खुशी सो रानी सा सीख दे रावो दिराव
ए खुशी से माने सीख दिलावो धीराज कमराने गणा पावण राख तो रानी सा जीव तारे वातो मन शाय एक खुशी सो माने सीख दिलावो महारानी उबा रंग में दासी दास सेवा माय महाराणा की रानी ने समझावे दिला महाराणा दी तो रानी ने समझावे दिला बोलो शंकर भगवान की जय हो। महारानी जी अकबर री सेना हल्दी घाटी रे मायने आई और युद्ध के वास्ते ललकार रही है और मैं कायर नहीं हूँ, मैं कोई बने की बात सुनवा वालो नहीं हूँ। इरे वास्ते आप बड़ा जतन रिजो, बड़ा होशियार रिजो और अगर मैं जीव तो रहूंगा तो फिर आर मिलूंगा, नहीं तो मेवाड़ को राज आपके सुपुर्द है और आप कमर अमर सिंह ने घना जतन राग जो फिर इनते आप बने बड़ी खुशी सीख देवो। महारानी जी हाँ साहब, महारानी जी बड़ा खुश भी जावे और खुशी हूँ, आपने मन में कोई सोच विचार नहीं, बड़ा खुशी और हंसी के साथ महारानी जी ने विदा करे और अपने सवार है जो चेटक बैठ वाली जो वाहन हो सवारी जो चेटक हो चेटक ने समझावे और महारानी जी केवे केवे सा ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े तुझ पे सवार है जो मेरा सुहाग है वो रखियो रे आज लाज ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े तेरे कंधों पे आज भार है मेवाड़ का करना पड़ेगा तुझे सामना पहाड़ का तेरे कंधों पे आज भार है मेवाड़ का करना पड़ेगा तुझे सामना पहाड़ का देना है जवाब तुझे शेरों के दहान का देना है जवाब तुझे शेरों के दहान का ये घड़ियान की है तेरे ही जहान की है रखियो रे आज उनकी लाज हो ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े छक्के छुड़ा देना तू दुश्मनों के जाय के छक्के छुड़ाना ना तू दुश्मनों के जाय के
उनकी छाती पर चढ़ना अपने पांव पसाड़ के के सुराना ना तू के जाके उनकी छाती पर चढ़ना अपने पांव पसाड़ के देना है जवाब तुझे सीनों की कहान का महाराणा की जान है तू बिजली का पान है तू रचियो रे आरी चिल्ला दे ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े छुड़ाना ना तू दुश्मनों के जाएगे सके छुड़ाना ना तू दुश्मनों के जाएगे उनकी छाती पर चढ़ना अपने पांव पछाड़ के बिना है दबाव तुझे शेरों के दहान का मारना की शान है तू बिजली का पान है तू ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े खुद पे सवार है वो मेरा सुहाग है वो शंकर भगवान की उन टाइम में महाराणा जी बड़ी खुशी हूँ आप तिलक लगावे चेतक ने तिलक लगावे और बड़ी खुशी महाराणा ने विदा करे महाराणा हल्दी घाटी में पहुंचे एक तूफान की तरह आंधी की तरह जावे और आप रण संग्राम में प्रकार है जो वे विजय करने की कोशिश करे राठोड़ी मंगरियारो रे पानी सायरा माई ने रूड़ गयो राठोड़ी मंगरियारो रे पानी सायरा रे माई ने रूड़ गयो जी ए दिल्ली रो ए बादशाह उदयपुर चढ़ गयो जी ओ झगड़ो जी तन में मेरे झगड़ो जीतन में उदयपुर आवे सा ओ झगड़ो जीतन में ए फण फण करता वाटाणा भाखरड़ा मु आवे भण करता रे माता रे आना भाखरे जाऊ आवे आज महाराणा रा खेकारा सू दुश्मन तड़के ओ छाती अकबर री मेरे छाती अकबर री आ तो धड़के रे तुझे री ओ छाती अकबर री अबे
टप टप करती तो पाकड़िया पाखर रे पाता खोले ओ ए टप टप करती तो पाकड़िया पाखर रे पाता तोड़ो ए भी दुश्मन वाली छाती रे माते चेतक दौड़े ओ वो हल्दी घाटी में अबे मेरे हल्दी घाटी में यो झगड़ो मच गयो सा वो हल्दी घाटी में जो दाना रा कुमार सा जो दाना मैंने पधारिया लड़ता लड़ता राणा जी जो दाने पधारिया ए जी जो दाना रे किले फाटक बंद पाया ओ पाछा पधारो अबे मेरे पाछा पधारो था झगड़ा में मर जो दी ओ पाछा पधारो ए राणा जी थे मर जावो तो आप रोग को नहीं पालाओ अबे राणा जी थे मर जावो तो मैं भोग को नहीं पालाओ आप रो ऐसी सले में सती वे शाओ जावला सुरगा में अबे मेरे जावा सुरगा में सत्राणी वाजा लाओ ओ जावला सुरगा में ए राणा जी थे डरता वो तो आप रोवे सुमाने दीदो सा अबे महाराणा थे डरता वो तो आप रोवे सुमाने दीदो सा अबे तीर रे तमंचा था मारे हाथा दी जोड़ी मैं गवा झगड़ा में मेरे जावा झगड़ा में सत्राणी रे वाजा लाओ ओ जावा झगड़ा में ए बिलारा ए भालो तई बेरिया रे हिवड़े लागे ओ अबे बिलारा रे ए भालो तई बेरिया रे हिवड़े लागे ओ ए जी दुश्मन वाली ओ छाती ऊपर चेतक भागे ओ यो हल्दी घाटी में ¶¶
बिलासपुरियों एक रिंग जीरे आवे फेर मूंड माड़ाओ खड़े 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 वे रया गद तारा रे नाड़ाओ जो हदी घाटी में मेरे हदी घाटी में यो जमगट मच गयो सा यो हदी घाटी में और शंकर भगवान की जो तूफान की तरह मेवाड़ की फौज मुगल सेना पर टूट पड़े और घमासान युद्ध वेवे रक्त की तलाई भर जावे जो आज रक्त तलाई केवे हल्दी घाटी में मौजूद है। हाँ साहब, और उन तैमरे मायने जो भगवान कर जो वे है अब महाराणा के साथ जो कई वारदात हुए जो आप सुनो। तो चेतक को कटे जो पाव जंग के माई ओ जंग के माई फिर तीन पाव से चलियो रे जावे नाई चेतक को कट गयो पाव युद्ध के माई ओ जंग के माई ओ तीन पावा से चलियो तो जावे नाई राणा ने खेची लगाम चेतक की भाई चेतक की भाई फिर देख हालत चेतक ने तो पूछ कराई तो हल्दी घाटी से चामंड तक गया था आई एक जबरदस्त नाड़ा ने कूद गया भाई तो फिर भाई शक्ति सिया ने तुरंत बुद्धि तो विचारी हे हिंद वासु मेवाड़ नाथ पणधारी तो प्रजा पालन मेवाड़ नाथ तपु भरी नाथ तपु भारी हे हिंद वासु मेवाड़ नाथ बलकारी शंकर भगवान जय हो। तो उन टाइम रे माने महाराणा देखे तो चेतक बड़ो जोर को काम करे सेना के बीच कूद तो फदक तो और चाल तो चाल तो बादशाह के हाथी के पास पहुंचे और हाथी के शीश से नमाते रमाते जैन पग टेके महाराणा अपना भाला ने ले और बादशाह को पाल की ही हाथी ने माथे इन्हें तोड़ देवे। उन टाइम ने मायने हाथी रे सुन में तलवार जो ही ये तलवार हूँ चेटक रे एक पांव कट जावे। हाँ साहब, तो चेटक तीन पांव भेज जावे। महाराणा देख रहे हो बेटो चेटक को पांव कटी गई है। अब तीन पांव चालो वालो नहीं है अश्व मौको देख और चेटक की लगाम खेचे और वो है जो चेटक ने कूच करावे रवाना जो करे और चालता चालता हल्दी घाटी चामंड पट तक पहुंच जावे। रास्ता में वो चेटक एक जबरदस्त नाड़ो आयो जिन्हें कूद और पहली तीर चले गयो और मुगल सैनिक जो पाछे लाग गया वे वणी नाला नहीं कूद सकिया वना घोड़ा उल्ली तरफ जावे और वो चेटक पहली बार भी जावे। उन समय शक्ति सिंह साथ में हो शक्ति सिंह
अना मुगल सैनिक ने दूर कर और रवाना होवे और भाई साहब के सामने जावे। भाई साहब ने देख और शक्ति सिंह बड़ा विचार में पड़ जावे, भाई साहब इन टाइम आपातकाल में है, बड़ा दुख में है। शक्ति सिंह ने देख और महाराणा एक क्रोध में आवे कि ओ फिर दुश्मन हमारे लारे लागो है, कारण कि वो अकबर की सेना में हो। शक्ति सिंह ने देख महाराणा अपने तलवार खींचे, शक्ति सिंह पांव में पड़ जावे, भाई साहब मारी जो भूल ही इन्हें आप माफ करो। दो ही भाई उन टाइम गले लागे और बड़ा खुश हुए। फिर स्वामी भक्त चेतक आने की तरह देखे तो चेतक अपना अंतिम श्वास ले रहे हो। तो अब स्वामी भक्त चेतक भी छोड़ कर जावे जी, छोड़ कर जावे महाराणा चेतक की याद में आंसू तो बहावे। ओ स्वामी भक्त चेतक भी छोड़ कर जावे, राणा ने परा जावे, चेतक की याद में महाराणा आंसू तो बहावे। चेतक को कियो संस्कार, चेतक को कियो संस्कार चांद के माई, जाने देखत आख्या में आंसू भर कर आई। तो चेतक कियो संस्कार स्मारक दियो बनाई, जाने देख चांद में मीणा नीर भर आई। जंगल पहाड़ा में राणा जी दिन ने बितावे, ओ दिन ने बितावे महाराणी कंवर बटे रोड जंगल में आवे। आजी घास पूस की रोटिया खावे है तीनों प्राणी, खावे है प्रणधारी है किंदवा सूरज मेवार नाथ तपोधारी। चेतक अंतिम श्वास लेते लेते आखिर महाराणा छोड़ चलो जावे, महाराणा अन याद में आंसू बहावे और बणी को दाग संस्कार करे और स्मारक जो बनावे जो आज भी चावण में मौजूद है। फिर राजा महाराणा की फौज सब विसर्जन हो जावे, तितर बितर हो जावे और जंगल में आपने दुख देखना पड़े। महारानी और कुंवर अमर सिंह जंगल में बड़ा परेशान हुए और जंगल में खावारे वास्ते साधन नहीं, बैठवारे वास्ते नहीं, सोवारे वास्ते नहीं, दुख में अपना दिन व्यतीत करे। हाँ साहब, और घास की रोटियां खाता फिर भी जंगल में बड़ी परेशानी हुए और एक रोज कही हुए कि घास की रोटी खाता खाता अमर सिंह के हाथ में भाभी रोटी बिल्ली लेन चली जावे। तो राणा रे मन में एक बड़ो विचार आई जावे और विचार करे रे भगवान अने दुनिया रे मायने में कई जन्म लियो है और कई कारण आयो हूँ। राणा विचार करे और कहे अरे घास की रोटी जद बन बिलाड़ो ले भाग्यो, नाने सो अमरो चीख पड़ियो, राणा रो सोयो दुख जाग्यो। हूँ घड़ो लड़ियो, हूँ घणो जब्यो, मेवार री लाज बचावण ने मैं पास नहीं राखी रण में, बेरा को खून बहाण में याद करूं हल्दी घाटी, नेणा में रक्त उतर आवे, सुख दुख रो साथी चेतक सु तो हूँ जागे। इस प्रकार आपने एक जो याद आवे और आंसू बहावे और के मैं मेवाड़ नाथ हूँ लेकिन
आज तो देख रहे हूँ। हाँ साहब, तो उन टाइम आपके मंत्री भामाशाह घूमता घूमता आवे और महाराणा ने कहे, महाराणा यह संपत्ति है सब आप ही है और मारो इनमें कहीं नहीं है, आप इन्हें लगाओ और या मेवाड़ की संपत्ति इन्हें आप काम में लो और मारो कुछ नहीं है तो आपकी धन की पोटली बांध गांठ बांध रुपयारी मोरारी और महाराणा के सामने भेंट करे। महाराणा वो फिर अपन युद्ध की तैयारी करे और आखिर महाराणा की अंतिम इच्छा ही एक बार में और यज्ञ लड़ू। अंत में एक बार आखिर महाराणा पधारे तो जंगल में चालता चालता एक तीर को निशान आपके पैर में लग जावे और वही तीर को घाव अनेक प्रकार दुख देवा लागो दर्द करवा लागो। आखिर महाराणा की कई औषधि दवाई काम नहीं आवे, नहीं आवे। कितने ही वैद्य आपकी इलाज करे लेकिन वापस इलाज हारे नहीं आवे और वो है जो सांप नहीं वेवे। महाराणा का अंतिम क्षण वेवे अंतिम टाइम आई जावे उन टाइम से भी रजवाड़ा ने सरदाना ने भेड़ा कर और केवे, रजवाड़ा मारी एक इच्छा है। हाँ, प्रतिज्ञा दिलावे। मैं आपने आया प्रतिज्ञा दिलाऊं, यदि आप अपनी मातृभूमि की रक्षा करोगा और कहीं की गुलामी आधीनता स्वीकार नहीं करोगा या प्रतिज्ञा करो तो मारो प्राण छूटेगा। भागी नहीं छूटे। हाँ साहब, तो उन टाइम ने मायने सभी सरदार अपनी तलवार निकाल और तलवार खड़ी कर महाराणा के सामने उपकरण करे कि मैं आपका वचन नहीं मानूंगा और मैं कहीं की आधीनता स्वीकार नहीं करूंगा, हमेशा अपनी मातृभूमि की रक्षा करूंगा और मैं अपनी आन और प्रतिज्ञा बटल रेवांगा। फिर महाराणा इस संसार में हर हमेशा के वास्ते परलोक प्रस्थान करे। प्रजा पालन में वारनाथ ससु भारी नाथ ससु भारी हिंद वासुज में वारनाथ प्रणधारी ¶¶